हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बेटा, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 10, क्रिया। क्रिया होते हैं काम बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि क्या काम हो रहा है, काम के करने या होने का पता चले, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। आज डेट है 21 दिसंबर 2020। ओके बच्चों, आओ देखो कि घर में कौन क्या क्या कर रहा है। कौन क्या क्या कर रहा है देखो ध्यान से। माँ खाना बना रही है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, पिताजी फोन पर बात कर रहे हैं, बच्चा खाना खा रहा है, माली पौधों को पानी दे रहा है। सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। माँ खाना बना रही है, बनाना, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, लगाना, बच्चा खाना खा रहा है, खाना, माली पौधों को पानी दे रहा है, पानी देना। ये सब शब्द क्या है? क्रिया शब्द। क्या है? क्रिया शब्द। जिसे ऊपर दिए चित्रों में बनाने, करने, लगाने, खाने, चलने और देने के काम हो रहे हैं। जो शब्द काम का करना या होना बताते हैं वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। जो शब्द हमें यह बताएं कि क्या काम हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। आओ कुछ अन्य क्रिया शब्दों को जानें। रोना, हंसना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, मैन के साथ साथ रीड करेंगे आप भी, तैरना, कहना, चुगना, चलना, जलना, पीना, चढ़ना, बोलना, सुनना, खोलना, करना, उड़ना, बहना, नाचना, गाना, मांगना। ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। क्या है ये? क्रिया शब्द। ओके, कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं, जैसे वर्षा हो रही है, सूरज निकलता है, बादल गरज रहे हैं, सूरज ढलता है। ओके, अब हमने क्या जाना? जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे निकलना, फिसलना, चलना, पीना, खाना आदि। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, आगे है इसका अभ्यास करें। तो हमने क्या सीखा कि क्रिया शब्द कौन से होते हैं, किसी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले ये क्रिया शब्द होते हैं। आगे देखिए इसका अभ्यास करें। सभी क्रिया शब्द पहचान कर गोले में रंग भरो और लिखो। आग डैम, नाच रही है, उड़ रही है, जल रही है या खा रही है। जल रही है आग, ध्यान देंगे आप, जल रही है। ओके, यहाँ पे गोले में रंग है। पतंग चल रही है, हंस रही है, उड़ रही है, नाच रही है। पतंग उड़ रही है तो आप ध्यान देंगे उड़ रही है। हवा खा रही है, चल रही है, उड़ रही है या नाच रही है। हवा चल रही है या चल रही है। घोड़े चल रही है, दौड़ रही है, हंस रही है या दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं। वेरी गुड। ओके, नीचे दिए गए चित्रों में हो रही क्रिया को पहचानो और चुनकर लिखो। फर्स्ट है, देखो पक्षी क्या कर रहा है? उड़ रहा है, तो क्रिया शब्द कौन सा आएगा? उड़ना। मैम ने पहले लिखा है, आप देखकर लिखेंगे ऊपर से। नेक्स्ट है पानी, बहना, 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 नंबर वन।
नंबर टू तैरना, मछली तैर रही है ना तो तैरना, लड़की रो रही है तो रोना, बच्चा हंस रहा है हंसना, चिड़िया दाना चुग रही है चुगना। ठीक है बेटा, तो हमने इसका कुछ अभ्यास कार्य भी किया और नेक्स्ट पेज पे आपके लिए जो अभ्यास कार्य दिया है वो भी हम करेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 47, पेज नंबर 47। बंदर पेड़ पर डैश रहा है उछल, लगता है वर्षा होगी, मोर डैश रहा है नाच, हिरन डैश रहा है दौड़, लड़की पानी पी रही है, मनोज पत्र लिख रहा है। ठीक बेटा, अब है नेक्स्ट जोड़े मिलाओ, आपको जोड़े मिलाने हैं नहीं मैचिंग करनी है। बच्चे लिख रहे हैं, फर्स्ट नंबर, पतंग उड़ रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं, हवा चल रही है, पानी बह रहा है। यू क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, आपको क्या करना है बेटा, नेक्स्ट में नीचे दिए वाक्यों के आगे सही का या गलत का चिन्ह लगाओ, साथ में ब्रैकेट में लिखेंगे। दिया जिन जिनमें क्रिया शब्द हो, जिनमें क्रिया शब्द हो। सांप पेड़ पर चढ़ रहा है, यह शब्द है। सांप क्या काम कर रहा है? पेड़ पर चढ़ रहा है। चिड़िया उड़ने लगी, यह शब्द है उड़ने लगी। सांप का रंग काला है, इसमें प्रिय शब्द तो कोई नहीं है, इसमें सांप कुछ कर तो रहा ही नहीं, तो ये गलत। वह पुस्तक मेरी है, गलत, इसमें भी कोई प्रिय शब्द नहीं है। मैंने पत्र लिखा, मैंने क्या काम किया? पत्र लिखा, प्रिय शब्द है, तो इसमें सही का निशान आना। ओके बेटा, तो आज हमने किया क्रिया, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे इस पाठ को और इसका अभ्यास करें पूरा करें। ओके, गुड बाय।